गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे कवक एस्परजिलस के बारे में। एस्परजिलस एस्कोमाइसिटीज का सदस्य है। देखिए तो यहाँ पर एस्परजिलस जो है इसको ब्लैक या ब्राउन मोल्ड फफूंद कहा जाता है। जब भी वो आपको काला या भूरे रंग की कहीं पे फफूंदी लगी दिखाई देती है तो वो समय हो सकता है कि वो एस्परजिलस हो। और इसके क्लासिफिकेशन की बात की जाए एस्परजिलस की तो किंगडम माइकोटा फंजाइस के अंदर रखी गई है, डिविजन यू माइकोटा टीना, इसमें टू फंजाई रखी जाती है, और क्लास एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज में मैंने कहा कि पूरा जो क्लासिफिकेशन किया गया है फंजाई का वो उसके लैंगिक जनन के आधार पर किया गया है। तो यहाँ एस्कोमाइसिटीज में एस्को स्पोर बनते हैं, इसी कारण से इसको एस्कोमाइसिटीज कहा जाता है। एस्को स्पोर बनेंगे, विशेष प्रकार की थैलेनुमा संरचना बनेगी जिसको एस्कस कहा जाएगा, और एस्कस के अंदर बहुत सारे एस्को स्पोर बनते हैं। दूसरी बात की जाती है कि सब क्लास जो है वो प्लेक्टोमाइसिटीज है। तो प्लेक्टो एस्कोमाइसिटीज को तीन सब क्लास में डिवाइड किया गया है, और यहाँ डिवाइड करने का जो आधार है वो पूर्व पहले वाले वीडियो में बताया कि इनका जो आधार है वो फूटिंग बॉडी के आधार पर है, क्योंकि एस्कोमाइसिटी में तीन प्रकार की फूटिंग बॉडी बनती है, क्लिस्टोथीसियम, पेरिथीसियम, एपोथीसियम प्रकार की। उसी आधार पर इनको तीन सब क्लास में डिवाइड किया गया है। तो प्लेक्टोमाइसिटीज में जो फूटिंग बॉडी बनती है वो गोलाकार बंद प्रकार की होती है, जिससे क्लिस्टोथीसियम कहा जाता है। पूर्णतः गोलाकार है, बंद है, तो प्लेक्टोमाइसिटीज कहा जाता है। ऑर्डर यहाँ पर है यूरोसियल। तो यहाँ पर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा वो होता है कोनिडियम के द्वारा, जिसमें कोनिडिया बनते हैं, कोनिडिया के द्वारा होता है। यूरोसियेसी, फैमिली यूरोसियेसी है, और जीनस एस्परजिलस यूरोशियम। एस्परजिलस जो है वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण कवक है इकोनॉमिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, क्योंकि एस्परजिलस की बहुत सारी स्पीसीज है। वैसे तो ये पूरी पूरी विकल्पी परजीवी है, इसके पास मृतोपजीवी होते हैं लेकिन इनके पास विकल्प है परजीवी होने का, अर्थात ये सड़े गड़े पदार्थों के ऊपर लिविंग जिंदा रहती है। और इसके अलावा भी ये मनुष्यों, जानवरों और पादपों में परजीवी के रूप में जीवन यापन करती है। तो एस्परजिलस की जो जातियां हैं उसमें एस्परजिलस फ्यूमिगेटस जो है वो एस्परजिलोस नामक डिसीज पैदा करती है। एस्परजिलस फ्यूमिगेटस इसके द्वारा जो रोग पैदा होता है वो होता है एस्परजिलोसिस कहा जाता है। मनुष्य और चौपायों में चार पहियों जानवर है उनके अंदर जो रोग पैदा होता है उसको एस्परजिलोसिस कहा जाता है। दूसरा है एस्परजिलस फ्लेवस जो है वो संचित अनाज में पाया जाता है। संचित अनाज में जैसे कि काजू है, मूंगफली है, संचित अनाज उनके अंदर पाया जाता है। आप देखते हैं मूंगफली, आपने देखा होगा कभी कभी मूंगफली और काजू में कभी कभी फफूंद लग जाती है, जब हम खाते तो कड़वाहट सी महसूस होती है उसके अंदर। तो ये जो है एस्परजिलस फ्लेवस के कारण है काजू और मूंगफली में। और ये विशेष प्रकार के विषैले पदार्थों का श्रावण करते हैं, टॉक्सिक मतलब विषैले पदार्थों का श्रावण करते हैं, जिन्हें कहा जाता है अफ्लाटॉक्सिन। ये जो अफ्लाटॉक्सिन है ये कैंसर पैदा करने वाले होते हैं, अर्थात ये कैसे कार्सिनोजेनिक है, कैंसर पैदा करते हैं, यकृत का इसके कारण से कैंसर होता है। दूसरा तीसरी जो स्पीसीज है इसकी एस्परजिलस नाइजर को प्रयोगशाला का खरपतवार कहा जाता है। लेबोरेटरी में ये जो फफूंदी है, कवक है, ये सबसे ज्यादा पाई जाती है। कभी आप टिश्यू कल्चर करेंगे किसी भी लेबोरेटरी के अंदर तो सबसे ज्यादा जो पाई जाने वाली कवक है वो है एस्परजिलस नाइजर लेबोरेटरी में। तो इसको लेबोरेटरी को प्रयोगशाला के खरपतवार भी इसको कहा जाता है। अब बात की जाए कि एस्परजिलस जो है इसका कवक तंतु किस प्रकार का है। तो मैंने कहा एस्परजिलस के जो कवक तंतु है हाइफी है वो पट्टयुक्त होंगे, और एक केंद्रक हो सकता है जिस आणविक संगठन समान है, शाखित हो सकता है, शाखित प्रकार का एक केंद्र की हो सकता है यदि एक ही केंद्रक है, और यदि दो शाखाएं आपस में मिल जाती है, दो पास पास वाली शाखाएं आपस में मिल जाए तो कभी कभी एक से ज्यादा केंद्रक भी उसके अंदर हो सकते हैं दो। तो ये जो है वो हेट्रोकैरियोटिक होंगे क्योंकि दोनों शाखाएं अलग अलग है,
दोनों शाखाओं का केंद्र का संयोजन हुआ है। तो आनुवंशिक दृष्टि से ये देखा जाए तो हेटरोकैरियोटिक है, क्योंकि दोनों ही केंद्रक समान है। तो सरफेस पे पाया जाएगा, ज्यादातर ये सरफेस पे फैली हुई पाई जाती है, कुछ इसका भाग बाहर ऊपर की ओर पाया जाता है कवक तंतुओं का। तो ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि ये कवक तंतु है, ये शाखित है, पटयुक्त है, पट पाए जा रहे हैं, एक केंद्र की हो सकता है। और यदि शाखा मिलन हो गया, एक से ज्यादा कवक तंतु आपस में मिल गए, तो बहुकेंद्रीय की संरचना बन जाती है, जिसे हेटरोकैरियोटिक कहा जाता है। न्यूक्लियस एक से ज्यादा हो सकते हैं, ये इसकी कवक तंतु की बात की जाती है। ये जो कॉनिडियोफोर का एस्परजिलस का कॉलोनी का जो रंग है, अपन कहते हैं कि ये ब्लैक है, ब्राउन मोल्ड दिखाई देती है, तो इसका कारण ये है कि इसमें कॉनिडियम या कॉनिडियोफोर जो बनते हैं उसमें स्पोर बनते हैं, उसके आधार जो कॉनिडियम बनते हैं उसका रंग जो है उसी आधार पर उसका एस्परजिलस का रंग दिखाई देता है। कॉनिडियम जिस रंग के होंगे उसी के आधार पर किसका रंग हो जाएगा, तो एस्परजिलस कॉनिडियम किस रंग के बनेंगे, ब्लैक या ब्राउन रंग के। इसी कारण से फकुन किस प्रकार की दिखाई देगी, ब्लैक और ब्राउन कलर की दिखाई देती है। अब बात की जाती है रिप्रोडक्शन की। तो यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन है एस्परजिलस, वही तीन प्रकार का पाया जाता है। यहाँ तो हो सकता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो वो है फ्रेगमेंटेशन। इसका यदि कोई कवक तंतु माइसिलियम वहां से टूट गया, पृथक हो गया और अन्य स्थान पर जाकर वो नए माइसिलियम का पूरा निर्माण कर देता है। नेक्स्ट बात है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है एस्परजिलस में, वो है कोनिडिया के द्वारा, कोनिडिया के द्वारा बनता है। तो यहां पर क्या होता है, जब कोनिडिया का निर्माण करना होता है तब एक कवक तंतु की कोई एक शाखा उद्गत हो जाती है, ऐसे उद्गत हो जाएगी, और ये जो कवक तंतु की नीचे वाली शाखा है इसको कहा जाएगा विशेष प्रकार की मोटी भित्तियुक्त शाखा है, इसको कहा जाता है फुटसेल, पाद कोशिका। इससे उदक तंतु निकलता है और समस्त केंद्र को कोशिका जब इसके अंदर प्रवेश कर जाता है और सिरे पर जाकर ये फूल जाती है, इसको कहा जाता है वेसिकल। ये जो फूला हुआ सिरा है इसको कहा जाएगा वेसिकल। और ये जो फूड सेल है किसका निर्माण करती है, कोनिडियोफोर, कोनिडियम धर का, कोनिडियोफोर का निर्माण, कोनिडियो धर का निर्माण करती है। फूड सेल आधारी कोशिका है, बहुकेंद्र की कोशिका, मोटी भित्तिक कोशिका होगी, मोटी भित्तिक कोशिका जिसको फूड सेल कहा जाता है, इससे उदग तंतु का निर्माण होता है और समस्त केंद्र को कोशिका इसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं, सिरे पर जाकर फूल जाती है, जिसे वेसिकल कहा जाता है कोनिडियो, और ये जो शाखा है इसको कहा जाता है कोनिडियो फोर। यहाँ देखिए, ये देखिए फूड सेल है, ये कोनिडियो फोर उदग शाखा हो गई, सिरे पर जाकर समस्त केंद्र कोशिका तक यहाँ जाकर पहुंच जाते हैं और इसका सिरा जो है गुब्बारे एक समान फूल जाता है, इसको कहा जाता है वेसिकल। यहां से क्या होता है कि उंगली समान उभार उत्पन्न होते हैं, उंगली समान उत्पन्न उभार उत्पन्न हो गए, बोतलों लाइक स्ट्रिग्मेटा, इनको कहा जाता है स्ट्रिग्मेटा। ये स्ट्रिग्मेटा हो सकते पाए जाएंगे इसके ऊपर, उंगली समान उभार है, इनको कहा जाएगा स्ट्रिग्मेटा। कभी कभी प्रांगुल कहा जाता है, उंगली के समान है, प्रांगुल कहा जाएगा स्टिग्मेटा। कभी कभी ये जो स्टिग्मेटा, इसके ऊपर एक और स्टिग्मेटा बन जाते हैं सेम इसी आकार के, तो इस प्रकार से इनको कहा जाएगा सेकेंडरी स्टिग्मेटा। द्वितीय प्रांगुल तो ये क्या हो गई प्राइमरी स्टिग्मेटा, और इसके ऊपर एक दूसरा बन जाता है जिसको कहा जाएगा सेकेंडरी स्टिग्मेटा। यहाँ आप देखिए कि ये जो है उंगली समान उभार है, इसको कहा जाएगा प्राइमरी, और इसके ऊपर एक और बन गया है दूसरा स्टिग्मेटा, तो ये सेकेंडरी स्टिग्मेटा हो गया। और फिर जो इसके ऊपर बनते हैं कोनिडियोफोर, कोनिडियम बन जाते हैं सी। यहां से केंद्रक का, इसमें केंद्रक प्रवेश कर जाएंगे, यहां भी केंद्रक पहुंच जाएंगे, और एक केंद्रक इस कोनिडियम के अंदर प्रवेश कर जाएगा, कोशिका द्रव्य इसके अंदर प्रवेश कर जाएगा, और यहाँ भित्ति का निर्माण हो जाएगा चारों, और ये कोनिडियम का निर्माण करते जाते हैं। तो कोनिडियम की जो निर्माण होता है वो बेसिपिटल क्रम में है, नया वलया नीचे की ओर और जो मैच्योर है वो बाहर की ओर बनता चला जाएगा, एक्सोजीनसली है और वातावरण में मुक्त होते चले जाएंगे। तो इस प्रकार से कोनिडियम का यहाँ पर निर्माण होता है। तो ये पूरा पूरा प्राइमरी स्टिग्मेटा, सेकेंडरी स्टिग्मेटा और कोनिडियम, ये कोनिडियम में केंद्रक हो गए, कोशिका भित्ति का निर्माण हो गया, इस प्रकार कोनिडियम बनते हुए चल जाते हैं। कोनिडियम से फिर नया जर्मिनेशन होकर नए कवक तंतु का और फिर माइसिलियम का निर्माण होता है। तो ये तो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हम यहाँ पर देखते हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा, कोनिडियम के द्वारा होता है।
नीचे वाली कोशिका जो आधारिक कोशिका है वो मोटी भित्तिक होती है, जिसे फुट सेल कहा जाता है, उससे उदक तंतु का निर्माण होता है जिसे कोनिडियोफोर कहा जाता है, कोनिडियम धर। उसमें समस्त केंद्र को कोशिका तरफ पहुंचने का इसका सिरा कैसा हो जाता है, फूल जाता है गुब्बारे, जिसे वेसिकल कहा जाता है। और इस वेसिकल से उंगली के समान उभार उत्पन्न होते हैं जिन्हें स्टिग्मेटा कहा जाता है। कभी कभी प्राइमरी स्टिग्मेटा के ऊपर एक और स्टिग्मेटा बन जाता है जिन्हें सेकेंड स्टिग्मेटा कहा जाता है, द्वितीयक प्रांगुल, प्राथमिक प्रांगुल, द्वितीयक प्रांगुल, और यहां से कोनिडियम का निर्माण होता है। तो इस प्रकार जो कोनिडियम निर्माण होता है वो बेसिपेटल क्रम में है, मैच्योर शीर्ष पर, और अनमैच्योर जो नया फ्रेश बना है वो निचले भाग, तो बेसिपेटल क्रम में हो गया। तो ये पूरा पूरा देखिए आप, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को दिखाया दे रहा है यहाँ पर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा, कोनिडियम के द्वारा हो रहा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाती है यहाँ पर एस्पर जीलस में, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो ही तीन प्रोसेस है, मैंने पहले आपको वीडियो में बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, मियोसिस तीन होंगे, एक नर के, एक जो कवक तंतु मादा के समान व्यवहार करेगा, दूसरा जो है वो नर के समान व्यवहार करेगा। मादा वाले को कहा जाएगा एस्कोगोनियम, तो ये जो है वो एस्कोगोनियम कहा जाएगा मादा वाला। इसके पास में ही दूसरा कवक तंतु आप पास में पाया जाता है जिसको कहा जाता है एंथीडियम, पुंधानी। तो पुंधानी का जो केंद्रक है, दो पास पास कवक तंतु आ गया, एक नर आ गया, एक फीमेल, मेल आ गया फीमेल, तो फीमेल वाले को कहा जाएगा एस्कोगोनियम सेल, और जो मेल वाला है उसको कहा जाएगा एंथीडियम। तो इसका केंद्रक इसके अंदर प्रवेश कर जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, तो प्लाज्मोगैमी क्रिया होगी, दोनों केंद्रक आएंगे, फिर वहां पर कैरियोगैमी क्रिया होगी और बन जाएगा द्वितीयक केंद्रक बन जाएगा। तो ये जो संरचना मैंने पहले वाले वीडियो में बनाया किस प्रकार से एस्कस का निर्माण होता है, तो एस्कस का निर्माण के लिए एक ये है, दोनों केंद्रक आपस में मिल जाएंगे, दोनों के दोनों केंद्र एक कोशिका में आ जाएंगे, और तो यहाँ से एक उभार उत्पन्न हो जाता है, इस उभार को कहा जाता है एस्कस, और ये जो दोनों केंद्रक है इस एस्कस के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, एस्कोजीनस हाइपिस को कहा जाएगा। तो ये जो दोनों केंद्रक है यहाँ पर प्रवेश कर जाएंगे, अलग अलग केंद्रक है, तो ये तो क्रिया है प्लाज्मोगैमी, यह कहलाएगी प्लाज्मोगैमी, ये दोनों केंद्रक इसके अंदर पहुंच गए, यहाँ से इसमें कैरियोगैमी की क्रिया होगी और दोनों केंद्रकों में संयोजन होकर द्विगुणित केंद्रक का निर्माण हो जाएगा कैरियोगैमी, ये कैरियोगैमी हो जाएगी। अब जैसे ही कैरियोगैमी होता है, केंद्रकों का संलयन होता है, तो नेक्स्ट स्टेज है यहाँ पर मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन, और विभाजन होने से यहाँ पर एस्कस के अंदर चार एस्किस्पोर या आठ, मिनिमम चार और मैक्सिमम आठ एस्किस्पोर बन जाते हैं। तो ये क्या है, एस्कोजीनस हाइपी, एस्कोजीनस हाइपी या और एस्कस को कहा जाता है, ये एस्कस है और एस्कस के अंदर बनते हैं एस्कोस्पोर, ये एस्कोस्पोर बनते हैं। इस पूरी की सुरक्षा करने के लिए, एस्कोस्पोर की सुरक्षा करने के लिए पास पास वाले कवक तंतु है इसको चारों ओर से घेर लेते हैं और बंद फ्रूटिंग बॉडी का, गोलाकार बंद फ्रूटिंग बॉडी का निर्माण कर लेते हैं जिसको कहा जाता है एस्कोकार्प, जो कवक भित्तीय फल भित्तीय से कहा जाएगा पेरिडियम, और पूरा एस्कस, एस्कोस्पोर और पेरिडियम को संयुक्त रूप से कहा जाता है एस्कोकार्प। तो इस प्रकार से एस्कोकार्प का यहाँ पर निर्माण होता है, ये जो एस्कोकार्प है इसी के आधार पर फ्रूटिंग बॉडी बननी है, उसी के आधार पर इसको रखा गया है प्लेक्टोमाइसिटी में। यहाँ जो फ्रूटिंग बॉडी है पूरी बंद प्रकार की, गोलाकार है, बंद है, इसमें कोई छिद्र नहीं पाया जाएगा, यहाँ आप देखेंगे पूरे गोलाकार प्रकार की फ्रूटिंग बॉडी है, कहीं इसमें कोई छिद्र नहीं है। जब ये एस्कस जब मुक्त होंगे तो ये फट जाएगी, यहाँ से पूरी की पूरी एस्कस पेरिडियम जो भित्ति है वो फट जाएगी और एस्कस, एस्कस से एस्कस पर वातावरण में मुक्त हो जाएंगे। यहाँ जो एस्कस है इसकी खासियत ये है कि एस्कस जो है उसमें अब्रंत होता है, उसके अंदर कोई ब्रंत नहीं होगा, गोलाकार होती है और इसके अंदर आठ एस्कोस्पोर पाए जाते हैं, किससे, एस्परजिलस के अंदर, तो मिनिमम चार और मैक्सिमम आठ, तो यहाँ कितने होंगे, आठ एस्कोस्पोर पाए जाएंगे, अब्रंत पाए जाएंगे, ब्रंत नहीं पाया जाएगा और यहाँ पैराफाइसिस एब्सेंट है। तो आप ये देखिए पूरा पूरी ये एस्कस है, इसके अंदर ये एस्कोस्पोर बन गए है, गोलाकार पूरी है, गोलाकार बंद है, क्लिस्टोथीशियम प्रकार की है, बाद में ये देखिए एस्कस के अंदर एस्कोस्पोर बन गए, आठ एस्कोस्पोर बन गए, ये एस्कोस्पोर वातावरण में मुक्त हो जाएंगे और एस्कोस्पोर से जर्मिनेशन होकर अनुकूल परिस्थितियों में माइसिलियम का
निर्माण होगा। तो इस प्रकार से लाइफ साइकिल पुनः पहुंच गई। तो हम देखते हैं कि एस्परजिलस में तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया के द्वारा होगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है एंथिडियम और एस्टोगोनियम के द्वारा, और यहाँ बनती है वंश प्रकार की फ्रूटिंग बॉडी जिसको क्लिस्टोथीशियम कहा जाता है, और 8 एस्क्यूस्पोर बनते हैं और यह एस्क्यूस्पोर जर्मिनेशन होकर के नए माइसीलियम का निर्माण करते हैं। तो आज हमने पढ़ा एस्परजिलस के बारे में, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे किसी और चैप्टर के बारे में। तब तक थैंक यू।